यार सुबह से शोर मचा रखा है कि बूजी आएगा बूजी आएगा, और ये क्या है कहानी, क्या ये व्हीकल है या फिर कोई एक ऐसा एंड्रॉयड तरीके की चीज़ है जो कि ये वाला भाई है जो कि कुछ ना कुछ बोले जा रहा है और गाइडेंस दिया जा रहा है और सबको जोवियल तरीके से मिस गाइड भी कर रहा है, गाइड भी कर रहा है और परम ज्ञानी है, जैसे कि कोई चैट जीपीटी का मतलब 4.0 वाला जो वर्जन है ना, वो वाला वर्जन। तो देखो जिस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन है कि जहाँ पर आपको एक टॉकिंग बॉट होगा और भैरव का जो कैरेक्टर है उसके साथ ये मिलन जुली सरकार चलाएगा और इसको कहीं ना कहीं इसकी गाइडिंग फोर्स होगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको मैं बोल सकता हूँ कि इंट्रोड्यूस किया गया है, और जिस तरीके से जो इसका मेकिंग दिखाया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये थोड़े दिन पहले आ जाता तो मुझे थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि चैट जीपीटी का जो 4.0 वाला जो वर्जन आया है जिसके अंदर यू कैन चैट विद योर कैमरा ऑन एंड इट्स लाइक यू टॉकिंग टू अ रियल पर्सन एंड द चैट जीपीटी बॉट विल रिएक्ट सीइंग वॉट इज बिहाइंड यू, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो कोई बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगा मुझे कि ये फ्यूचर टेंस में होने वाला है, क्योंकि चैट जीपीटी ने तो अभी कर दिया। लेकिन चलो अच्छी बात है कि ये जो चीज़ थी अडॉप्शन थी वो सिर्फ हमने फॉरेन मूवीज़ के अंदर देखी है, अब एक हम हिंदी मूवीज़ के अंदर भी देखेंगे किस तरीके से मोटे मोटे लेवल पर एक जार्विस टाइप तरीके की चीज़ होगी। हालांकि इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपने स्टार वॉर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, मैंडोलिन के अंदर भी काफ़ी कुछ देखा होगा, बट इंडियन मूवीज़ के अंदर ये काफ़ी कम यूज हुआ है, एक आधी बार कभी यूज हुआ होगा तो हुआ होगा। ये ऑलमोस्ट एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। यहां पर मैं एक और चीज मेंशन करूंगा कि जो प्रभास की बॉडी लैंग्वेज लग रही है वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स और कॉन्फिडेंट मुझे लगी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि अगर बाहुबली की बात मैं देखूं तो वो जबरदस्ती ऐसा लग रहा था कि अपने आपको स्टाइल कोशेंट की वजह से फोर्स कर रहा है, और यहाँ पर थोड़ा जोवियल तरीके से उसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि भाई थोड़ा स्लो मोशन में मत कर भाई, थोड़ा सा फास्ट जरा चल और ये जो व्हीकल है उसको एक्सपोज कर, जो कि आई थिंक वो लाइटनिंग स्पीड पर चलता होगा या कुछ स्पेशल आर्मर्स होंगे इसके अंदर जो भी होगा। तो एक्साइटिंग तरीके का जोन है जहाँ पर हमने पहले इसके इंट्रोडक्शन में देखा कि कैसे इट इज़ रूटेड एंड लिंक टू महाभारत इन सम मैनर, और जो इमॉर्टल्स थे उनका इंट्रोडक्शन था मोटा मोटा लेवल पे, और यहाँ पर होगा कि फ्यूचर टेंस के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे भैरव जो नेगेटिव फोर्सेज है उससे लड़ेगा। तो ओके है, ग्रेट है, जो बहुत ज़्यादा साईफाई चीज़ें देखते हैं उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा अनयूजल नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी सिनेमा के लिए कुछ नया ज़रूर है। हिंदी क्या एक्चुअली ये तेलुगु सिनेमा हुआ, कौन सा सिनेमा हुआ, जो भी ये सिनेमा हुआ, इंडियन सिनेमा, पैन इंडिया सिनेमा, जो भी इसको कहना चाहते हो कह लो, क्योंकि है तो ये नेशनल रिलीज। जो चीज मुझे ज्यादा ठीक नहीं लगी वो ये लगी कि यार अगर आप इसको पैन इंडिया मूवी बोल रहे हो तो आपको इसको हिंदी वर्जन भी रिलीज करना चाहिए था, और अगर आपको हिंदी वर्जन नहीं भी रिलीज करना था तो एटलीस्ट सब टाइटल रिलीज कर देने चाहिए थे, वो आपने करे नहीं थे। तो हाफ बेक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आती है फिर, जो फैंस ऑफ काल की मूवी है नया कॉन्सेप्ट और फैंस ऑफ प्रभास है।